हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आप सभी लोग कैसे हो? अच्छे ही होंगे लड्डू गोपाल की कृपा से। तो देखिए, आज है दिन मंगलवार और डेट है 17। तो ये मॉर्निंग रूटीन है मेरा, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं हम। तो देखिए, हमारे लाला सोए हुए हैं, अब हम इनको जगाएंगे। मेरे प्यारे प्यारे दोनों लड्डू गोपाल, देखिए कितने प्यारे तरीके से सोए हुए हैं। इनको थोड़ा लाड़ लड़ा के इनको जगाते हैं हम। देखिए कितने सुंदर, कितने अच्छे लग रहे हैं ये सोते हुए। चलिए इनको हम जगा देते हैं। कंबल हमने हटा दिया है, अब इनसे बोलते हम जा रहे हैं कि लड्डू गोपाल लाला उठ जाइए, सुबह हो गई है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। 7:30 बजे के आसपास ही हम स्नान करके लड्डू गोपाल को उठा पाती हूँ मैं। तो देखिए मेरे लाला छोटे वाले जग चुके हैं। देखिए इस तरीके से मैं इनको जगाकर बिठा देती हूँ। फिर थोड़ी देर 5-10 मिनट बाद इनके लिए पानी गर्म करके लाती हूँ और उसके बाद इनको स्नान कराती हूँ। इनका बिस्तर मैं हिला करके बिछा देती हूँ फिर से, या फिर कभी कभी बेडशीट भी मैं इनकी चेंज कर देती हूँ। जिस प्रकार अपनी बेडशीट हम 2-3 दिन में चेंज करते हैं, उसी प्रकार इनकी भी बेडशीट चेंज कर देते हैं। तो देखिए मैंने दूसरी बेडशीट बिछा दी है लड्डू गोपाल के बेड पर, और पिलो भी मैंने दूसरा लगा दिया है। बेडशीट की मैचिंग का ही इनके पिलो भी अलग अलग बना रखे हैं मैंने लड्डू गोपाल की। बेडशीट भी इनकी काफ़ी सारी बना रखी हैं। इनका सामान मैं एक अलग टोकरी है, बास्केट है, उसी में रखती हूँ सारा सामान। और क्योंकि इनका सामान बहुत छोटा छोटा होता है, इधर उधर ना हो जाए, इसलिए इकट्ठा करके बास्केट में ही रखती हूँ। तो देखिए हमारे लाला लड्डू गोपाल अब स्नान करेंगे। हमने पानी गर्म करके ले आए हैं। मौसम के अनुसार अपने लड्डू गोपाल का जल का इस्तेमाल करें। तो देखिए हमने पुष्प अर्पण कर दिए हैं, उसमें अब छोटे वाले लाला को पहले स्नान कराएंगे। तो हमारे छोटे वाले लाला देखिए कितने प्यारे से क्यूट से हैं, स्नान कर रहे हैं ये। थोड़ा थोड़ा हमें जल डालना है, एक साथ कंटिन्यू हमें जल नहीं डालते रहना है। लाला को, लड्डू गोपाल को थोड़ा बहुत सांस भी लेने देना है बीच बीच में। तो इस प्रकार स्नान करा दिया हमने अपने लाला लड्डू गोपाल को। हम रोज का स्नान इसी प्रकार कराते हैं अपने लाला को। तो देखिए आप चाहो तो 5 मिनट से स्नान 15 दिन में, हफ्ते में, महीने में आप करा सकते हैं। अब हमारे बड़े वाले लाला ये स्नान करेंगे, मेरे प्यारे से बड़े लाला, क्यूट से। देखिए इनको भी हम स्नान करा देते हैं। इसी प्रकार हर रोज की सेवा मैं लड्डू गोपाल की करती हूँ। ये मेरे बड़े लाला हैं, स्नान जो कर रहे हैं, और वो छोटे हैं। तो देखिए ये भी स्नान कर चुके हैं। सर्दियों में ज़्यादा जल इस्तेमाल नहीं करती हूँ स्नान कराने के लिए, थोड़े ही जल से इनको जल्दी से स्नान करा करके इन्हें हटा देती हूँ मैं। सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, आप अपने लड्डू गोपाल लाला को हर रोज़ स्नान कराएं इसी प्रकार। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर्दियों में लड्डू गोपाल को हर रोज़ स्नान नहीं कराना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप डेली स्नान कराइएगा, पहले आपको खुद स्नान करना है, उसके बाद ही लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल स्नान करके, वस्त्र पहन के अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। अब हम इनकी पूजा आरती धूप दीप दिखाएंगे इनको। तो चलिए इनकी पूजा की तैयारी कर लेते हैं हम। ये देखिए हमने अपने लड्डू गोपाल की ये पगड़ी भी लगा दी है, मुकुट लगा दिया है। अब हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है, अब इनकी हम आरती करेंगे। तो हर रोज़ की पूजा मैं इसी तरह करती हूँ, और मेरे बाकी के भगवान मंदिर में बैठे हुए हैं, उनकी भी आरती करते हैं हम। तो देखिए अब इनको हम तिलक चंदन लगा करके, रोली का आप या फिर चंदन का आप तिलक लगा सकते हैं, और हम अब लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। तो मेरे प्यारे लाला लड्डू गोपाल भोग स्वीकार करें। तो देखिए हमने भोग में बादाम और मुनक्का, मिश्री और दूध और तुलसी दल, ये सारी चीज़ें हमने रखी हैं। अब हम घंटी बजाकर या ताली बजाकर लड्डू गोपाल को भोग लगा देंगे। लड्डू गोपाल हमारा भोग स्वीकार करेंगे। तो मेरे प्रिय लड्डू गोपाल, तो इस तरीके से मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ।
स्नान कराने के बाद मैं इनको दूध का और मिश्री का भोग तो अवश्य ही लगाती हूँ। तत्पश्चात आपके घर में जो अवेलेबल है आप उसका भोग लगा सकते हैं, आपके पास ड्राई फ्रूट हैं उनके लगा सकते हैं। तो इसी तरह से मेरे मॉर्निंग रूटीन रहता है। फिर उसके बाद 11 बजे के आसपास मैं अपने लड्डू गोपाल को जो भी चीज़ें होती हैं, ड्राई फ्रूट, माखन या फिर लड्डू, बिस्किट, उसका भोग लगा देती हूँ। फिर मैं भोजन पकाती हूँ तो भोजन का भोग लगाती हूँ। इसी तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल की हर रोज़ की सेवा करती हूँ। तो आप लोगों को मेरी ये सेवा कैसी लगी लड्डू गोपाल की, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।